आ तीन मोटरसाइकिल कार है, न्यू बता फिर तेल कटता होगा भाई, जी, महंगाई तो बधेगी। मैं देश जरूरी है नहीं, और देश को आप देश तो आप देश बचाने की बात कर रहे हैं क्या? फिर कांग्रेस के राज में देश को नहीं बच रहा था? नहीं बचा जी, क्यों नहीं बच रहा था? सिलेंडर के रेट बता दिए, कांग्रेस के राज में सिलेंडर 350 रुपए का था, 450 का जी, 450 था जितने अभी था, 1500 का मिला था, ब्लैक में मिला था 2000 का, मन हो और लाइन में जाकर खड़े हुआ करते सारा घर का काम खड़े खत्म, 3 दिन में सिलेंडर मिला था। अच्छा, घरा सिलेंडर मिला है हमने, चाहे 1500 का हो। अच्छा, दे ट्रैफिक, लेकिन मोदी जी तो उस टाइम बात कर रहे थे जी मैं तो महंगाई कम करूंगा, महंगाई कम है मेरे भाई, मां कम है, गरीबा के बाड़ा लग ला रहे जिनका घर कबाड़ा को नहीं पूगे था, कांग्रेस का राज होता नहीं, किला बेच रहे नौकरी उड़ा रहे, नौकर बीजेपी के है। अच्छा, नौकर बीजेपी के है सारे? अच्छा, बुढ़ापे में सब था नौकरी दे दी गई थी बीजेपी ने, हैं क्या नौकरी दे दी बताओ फिर? जारे आंटी देखो सा दर्शकों, विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं भाई जींद जिले के सिंगाणा गांव से, इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यानी कि सोनीपत लोकसभा से है तस्वीरें, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अभी हम बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ सिंगाणा गांव के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे अब की बार है किसी सरकार है जो यहाँ के लोग बनाना चाहेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे साथ है अंकल जी, हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, क्या नाम आपका जी? राम सिंह। तो अब की बार आप किसी सरकार बना रहे हो जी? मोदी। मोदी की? ऐसा क्या मोदी में जी? मोदी में सारे गुण हैं। अच्छा, क्या क्या गुण है बता दो फिर एक बार। तो गुण है का बड़ा बड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया गुण है, बुढ़िया की बड़ी सेवा कर रहा है। अच्छा, कांग्रेस ने कौन करी था? कांग्रेस का मार दूते। अच्छा, कांग्रेस को नहीं करती? नहीं नहीं, कांग्रेस ने जी जो लोग कम है भी प्लाट भी कटाए हैं, कांग्रेस ने पेंशन भी दी है और बहुत सारे जो काम हरियाणा में कराए हैं। मास्टर ने पूछ। अच्छा, वो मास्टर आप नहीं मेरा जी? अच्छा, मास्टर जी बताऊंगा आपको, नहीं बताओ जी? राम राम जी। राम जी, राम राम। नहीं अंकल जी बोल रहे थे जी, आप तो आपके बारे में बोले जी, आप मास्टर जी बताओगे, आपने कोई सहारा तो नहीं कर दिया अंकल की तरफ। अच्छा, क्या नाम आपका जी? ईश्वर सिंह। तो आपके गांव में किसका मोहल आपने लग रहा है, किसकी सरकार आप बना रहे हो? बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्या बीजेपी में? बीजेपी में यदि देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जरूरी है। अच्छा, बस। अच्छा, कांग्रेस ने कौन काम कुछ ना जी, ना जी। यदि कांग्रेस होती तो लग वर्ल्ड वार हो जाता, ये हमारी सोच है। अच्छा अच्छा, बात कर जा जो किसान है, आम लोग है जो जब जामा है तो कवरेज करें तो लोग उनको है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, किसान को हम ना MSP नहीं मिली और बहुत सारे जो किसान की मांग है वो पूरी नहीं करी, तो किसान को हम परेशान है बीजेपी तरह। आप बोल रहे बीजेपी ने बहुत सारे काम कराए हैं, ऐसा है जी? BSP है कि MSP और किसानों की समस्या, ये तो अपनी अंदरूनी समस्या है, यदि देश को बचाना है तो मोदी जरूरी है। अच्छा, बस हमारी ये सोच है, यही सोच है जी। जो आप इतनी बढ़ाई कर रहे हो मोदी जी की, तो कुछ विकास हुए हैं आपके गांव में? बात विकास की नहीं है। अच्छा, बात देश बचाना, हम क्या है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ये भारत नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से है? देश जरूरी है। नहीं, देश को आप देश आप देश बचाने की बात कर रहे हैं क्या? फिर कांग्रेस के राज में देश को नहीं बच रहा था? नहीं बचा जी। क्यों नहीं बच रहा था? लड़ाई दंगे सारिया, हर समय दंगा विवाद था। अच्छा, अब देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है, मोदी है तो हम हैं। अच्छा, आपके गांव जो सिंगाणा है और जो रमेश चंद्र कौशिक के जो सांसद थे और आपका गांव गोद भी ले रखा था, तो रमेश चंद्र कौशिक ने कुछ काम कराए हैं? बहुत काम जी, बहुत ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 20-30 तो छोरे नौकरी लगवा दिए, सारी पलाटी पक्की करवा दी, काम में यो स्टेडियम करवा दिया। अच्छा, हाँ, रमेश कौशिक के गुण नहीं भूलेंगे जी, काम कराए हैं। अच्छा, बहुत दिन पहले हमने आपके गांव में खबर करी थी और जो सरकारी स्कूल है उसके सामने वो पानी इकट्ठा हो रहा है और जो छापर की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ भी पानी खड़े रहा है, तुम्हें बोल रहे थे कि रमेश चंद्र कौशिक ने तो कुछ काम में को नहीं कराए? ना जी, ये प्रशासन की गलती है, जो SDM वीडियो बैठे। अच्छा, उन्होंने 31 मार्च तक हो जाएगा ये। अच्छा, लेकिन इन्होंने नहीं करा, अब मट्टी पड़ने लगी है। अच्छा, अब हो जाएगा ये। नहीं ब्रो, तो जी अब वोट का टाइम आएगा ना? ना ना ना, पहले क्यों नहीं होया? कुछ नहीं, उन्होंने टाइम दे रखा था जी, उस टाइम के अनुसार सही होने लग रहा जी। अच्छा अच्छा, अब काम हो रहे हैं? हो रहे हैं जी, बिल्कुल सही। जी जी जी, तो अब की बार मन बना लिया वोट फिर आप बीजेपी नहीं कर रहे हो? बीजेपी। अच्छा, बात कर जाओ, हरियाणा में मोरी पार्टी है, जेजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, उन्हें क्या कुछ रहने
करने वाला है, कितनी सीटें वो निकालने वाले हैं? देखो जी, हम नहीं कुछ भी जानते, हम तो सिर्फ जाना है तो मुद्दिन जाना है। अच्छा, बस तो फिर 10 की 10 सीट बीजेपी क्या रही है अब की बार? देखो जी, मारा मोदी है तो हम तो 10 की कहाँ आएंगे। अच्छा, उनके किस्मत। अच्छा, उनकी किस्मत है। बाकी आपने तो अपनी आपकी तरफ 10 की सीट दे दी मोदी। अच्छा, एक चीज, आप मोदी कर रहे हो जो हरियाणा में, अब की बार बहुत सारे जो नए चेहरे बीजेपी में बदले भी गए हैं सांसद के, और मंडोली है अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सोनीपत से, आप चेहरे देख का वोट करो फिर मोदी चेहरे देख का वोट करोगे? ऐसा जी, मोहन लाल बड़ोली है ना, गणी वोटन जीतेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा वोट, बहुत ज्यादा। उसकी टक्कर में सुरेंद्र दही आया है, कोई भी नहीं जानता उसने। अच्छा, मोहन लाल बड़ोली तो ऑलरेडी विधायक है, उन्होंने वहां भी छवि बना रखी, और ये तो मोदी का गढ़ है यहाँ तो सारी। अच्छा, अब आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि रमेश चंद्र कौशिक ने बहुत अच्छे काम कराए हैं, तो फिर चेहरा क्यों बदला सोनीपत से? वो तो उनकी उनका काम है जी, अच्छा, वो ऊपर का काम है जी, हमारा काम नहीं है। हमारा तो जो आओगे आपको सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है, मोदी दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, देख सको भाई, जो सिंघाना गांव में है मास्टर जी बोल रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ मोदी ही नजर आ रहा है, और बोल रहे हैं बहुत अच्छे काम कराए हैं। अपने साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं और फिलहाल चर्चा लगातार चल रही है और बात भी करते रहोगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम क्या जी? रोहतास भारद्वाज। तो अब के बारे बात कर जाओ, किसकी सरकार आप बना रहे हो और आपके गांव में किसका मोल आपने दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है? हमारे तो बीजेपी जीतेगी, मोदी की सरकार आओगी। सारे ही वर्ल्ड में ही मोदी का नाम है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो काम किए हैं, अगर आंखों का अंधा है वो नहीं देखेगा, बाकी सब देखेंगे। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो आप उनकी तारीफ कर रहे हो? मोदी ने तो कर क्या नहीं दिया, कश्मीर में जो पत्थर लग गया कर दे वह गायब हो गए। सनातन धर्म ऊपर पचा दिया, वर्ल्ड में नाम कर दिया, किसी तक भेदभाव नहीं, छवि अच्छी, बेईमानी काम वही कर सके है जो अपनी छवि अच्छी है। कांग्रेस के राज में कौन काम हुए? कांग्रेस के राज में काम हुए, कांग्रेस में भ्रष्टाचारी ज्यादा है, मंत्रियों के पास पैसा जमा हो गया। अच्छा, और भी पार्टी है, बात कर जावा, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, उन्हें क्या कुछ लग रहा है, उन्हें कितनी सीटें निकाल रहे हैं यहाँ से? आम आदमी पार्टी क्या कहे थी जिस टाइम आए, उस टाइम न्यू कहे थे कि हम लोकपाल बिल लियावांगे, और कोई भी मंत्री है वो इस्तीफा क्यों नहीं दंदा? न्यूका था एक बोला छोटा हा भी इस्तीफा दे दे, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री ने दे दिया इस्तीफा, अब क्यों नहीं दंदा? खुद कमी है, जीवे तो जेल में है जी, वह क्यों नहीं जेल में? तो कुछ नहीं, हरियाणा में जी, हरियाणा में कौन सी जीरो है? और जीजेपी कोई नहीं है, जीजेपी बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी बीजेपी इनकी बार 400 पार, मतलब 400 पार करके मानोगे? मानोगे के पूरी की पूरी? देखो पिछली बार हरियाणा 75 पार की बात भी हुई थी, हाँ। लेकिन वो पूरी क्यों हुई थी? पिछली बार रहेगी, हाँ। कोई बात नहीं भाई साहब, एक बात बताओ। न्यू बता पर रोटी खावा, न्यू तो कमांगे, हम तो 10 खावांगे, खाई तो 2 जाओ, हम तो कमांगे 75 पार। अच्छा, हम तो 75 पार कमाए कमांगे, आगे भाग नकली भी कोनी। जो बीजेपी है, मोदी है, जो ईमानदार आदमी है, देश भगत है, उन अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जनता के लिए कर रहा जो कुछ कर रहा। अच्छा, देख लोग तो ये बात को है जी, आप जो बड़ाई कर रहे हो मोदी जी की, तो भी बहुत अच्छे काम कराए हैं, जो लोग तो को है सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया और ना। और महंगाई कर दी, तेल का रेट बढ़ा दिया। हाँ जी, हाँ जी, सिलेंडर के रेट बता दिए। कांग्रेस के राज में सिलेंडर 350 रुपए का था, 450 का जी, 1500 का मिला था। ब्लैक में मिला था 2000 का, मन हो और लाइन में जाके खड़े हुआ करते, सारा घर का काम खत्म, 3 दिन में सिलेंडर मिला था। अच्छा, घर सिलेंडर मिला है हमने 1500 का हो। अच्छा, तो आपने महंगाई तक कोई प्रसाद नहीं कोनी, जब घर सिलेंडर आ लग रहा। अच्छा, मतलब की 4 दिन में सिलेंडर को नहीं मिला था, ब्लैक में लेकर 1500 का, 2000 का लेकर आवा थे। अच्छा, आज घर सिलेंडर आवे हैं भाई, मोदी तो मोदी है। अच्छा बात करा, कांग्रेस के राज में सुनो जी, कांग्रेस के राज में 70 रुपये लीटर तेल होकर था जी, पेट्रोल डीजल की बात कर जावे तो 60 रुपये लगभग डीजल होकर, 70 रुपये पेट्रोल होकर था। ठीक है, तो रेट भी बढ़े, महंगाई भी हुई है। एक बताओ, 70 रुपये लीटर तेल था, 10 साल पर
2013 में था, 14 में बीजेपी आई है, 10 साल में नहीं हो, बताओ इतने ट्रैफिक को नहीं बदे ट्रैफिक। लेकिन मोदी जी तो उस टाइम ये बात कह रहे थे जी, मैं तो महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम है मेरे भाई, मांग कम है, कम है जी। आप एक मिनट, किस तरीके से कह रहे हैं आप? मैं न्यू कह रहा हूँ, पहला मेरे घर में एक मोटरसाइकिल थी, आज 3 मोटरसाइकिल और कार है, न्यू बता फिर तेल कटता होगा भाई। जी जी जी, महंगाई तो बदेगी, महंगाई बढ़ेगी, बदेगी। अच्छा, महंगाई नहीं है यार, ठीक है साहब, मोदी जिंदाबाद। एक से कहो, जो गांव सिंघाने के लोग हैं नी, उन्होंने मन बना लिया है भाई, हम तो अब की बार भी है बीजेपी के यानी कि मोदी को ही वोट करेंगे। अच्छा जी, आप ये बताओ, आप चेहरे देख का वोट कर रहे हो या फिर मोदी ने देख का वोट कर रहे हो? क्या रमेश कौशिक भी अच्छा था, मोदी क्या है, जैसे उन्होंने खट्टर बदल दिया, उधर से करनाल की सीट लिख होगी, खट्टर ने खड़ा कर देंगे, यहाँ फिर वो दूसरा नायब सैनिक आ गया, वो सारी वोट आऊंगी। मोदी है बहुत बढ़िया बंदा, चलाक बंदा है। अभी आपने बात करी सीएम बदल दिया, जो सीएम ठीक कौन थे फिर? नहीं, थोड़ा हा नरम था, सख्त नहीं था, जैसे योगी का है नी, इस चुराहे पर गलती करोगे अगला उसका फल पालोगे, न्यू नहीं था। मोदी का उसका फैसला तुरंत है, खट्टर थोड़ा नरम पड़ा था, इस करके यू बदला है। अच्छा, और ये चलाकी से बदला है कि यहाँ से सीट निकल जाएगी, पूरत है नायब सैनिक सारी नौकरी मिलेंगी, अगर आदमी बढ़िया है, मोदी देश बचाना है तो मोदी मोदी कहना है। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम आपका जी? अजमेर सिंह। तो आपके गांव में किसका मोहल्ला आपने लग रहा है, किसकी वोट अब की बार आप कर रहे हो? हाँ, बीजेपी की वोट कर रहे हैं, गांव में 80% मोल है बीजेपी का। अच्छा, 80% किस दावे के साथ कर रहे हो आप? सारी बिरादरी गिल्ला खड़ी बता, 36 बिरादरिया का रुझान बीजेपी का है। अच्छा, पीछे से गरीबा के बाड़ा लाग लाग रहे, जिनका घर कबाड़ा को नहीं पुग था, कांग्रेस का राज होता नहीं, किला बेच कद कद नौकरी उड़ा थोड़े ने, 400 रुपया में 500 रुपया में थोड़ा नौकरी दिया। कांग्रेस ने कुछ काम को नहीं कराया, कुछ के करिया कांग्रेस ने तो उरे करिया था काम घना बढ़िया, उड़ा सीएम था उरा हमारे गांव में लेंदा मारे अर्थर तलवार सारा गिफ्ट है, और मुंह तनु भी निकाया राम राम रे भाई जी का काम है। अच्छा, राजी खुशी भी नहीं पूछी। तो फिर कांग्रेस ने कौन ही पहला इस पहले कुछ काम कराए? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, कांग्रेस ने तो आप अपने के पेट भर रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में और ही पार्टी है, जेजी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, उनका क्या कुछ लग रहा है, काट पाऊंगे कादी सीट? उरे इंडियन नेशनल लोकदल काट नहीं पाती है। और जेजेपी? ना जेजेपी काट, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, और कांग्रेस है। अच्छा, बीजेपी है? बीजेपी 400 पार है इनका। अच्छा, इनका तो 400 पार, 400 पार करा दोगे की बार? बिल्कुल, बल्कि 450 जाओगे नारा। ये सभी जितने भी है कोई दुश्मन थोड़ा कांग्रेस के, पहले सारे कांग्रेसी थे। जी जी जी, और कुछ था ही नहीं। जी जी जी, भाई अपने साथ है अंकल जी और जुड़ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम आपका जी? राम कुमार। तो अब की बार किसकी वोट कर रहे हो आप, और आपके गाँव में किसका मोहल्ला जी? बीजेपी का। आपने सारा नेक्स्ट कला तो नहीं कर रहे? सलाह नहीं कर रखी हो, देखो सलाह नहीं कर, आप एक साथ सारे पत्ते खेल लो हो और सलाह कर लियो, आपने सलाह कर रखी, आपने वोट करनी बीजेपी तय, और कोई पार्टी नहीं करनी है, आपको मूड कराओ दूसरी पार्टी तय। हम तो भाई मोदी के लिए सीट खेल जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, तो इसे क्या काम करे आपके गांव में मोदी ने? मोदी ने इस गांव में नहीं, सारे देश में कर रखे। अच्छा, सारे देश में काम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने कौन कुछ काम कराए जी? कांग्रेस का नाम मैं ना ले तो बढ़िया है। अच्छा, क्या बात जी, इसी इसी के अलावा इसी नाराजगी के हो गया आपने? किसी कुछ काम में नहीं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो जी भाई साहब, आपने को ना मोदी ने के रंग लाया? यू रंग लाग रहा नी। अच्छा, सारा मोदी का रमेश। अच्छा, था उरा रमेश कौशिक। रमेश कौशिक, रमेश कौशिक ही करके गया है। अच्छछा, बहुत बड़ी आदमी है। क्या कर रहा, क्या कर रहा रमेश चंद्र कौशिक? अच्छा अच्छा, ये जो स्टेडियम बन रहा है ये सब रमेश चंद्र कौशिक ने? रमेश कौशिक ने। अच्छा, उन्होंने काम करा रखा है? बिल्कुल, बहुत बड़ी आदमी है रमेश कौशिक। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, क्या नाम आपका जी? सतवीर। अच्छा, आपकी बार आप किसकी वोट कर रहे हो और आपके गांव में किसका मोल है? भैया हमने तो मोदी जी त्याना बस। अच्छा, ना कोई बेरा नहीं। और पार्टी वहाँ कहाँ जाओ जी? पार्टी का मार झाड़ू से। अच्छा, ऐसा क्या मोदी में जो आप इतनी सब कुछ है? बस मोदी में ऐसा कुछ भी क्या नहीं है। अच्छा, बताओ फिर, आप बताओ क्या है सर? वही इतना हमने नॉलेज नहीं है, बाकी हमने तो वोट बीजेपी की देनी है। आप नू भी कहो बीजेपी अच्छी है, फिर आप नू भी कहो नॉलेज नहीं है? नॉलेज सारी है, हम देश में घूमा ड्राइवर आदमी है। अच्छा,
जी बढ़िया सुधार दिखा है तो बढ़िया ही कहवांगे। भी आप जो लगातार तस्वीरें में दिखाने लग रहा हूँ, अपने साथ एक अंकल जी और जुड़ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका जी? साधु राम। हाँ जी, आप जो आपके गांव में जी किसका मोल है और आप अब की बार किसकी वोट कर रहे हो? अब की बार तो इसके बीजेपी के बढ़ेंगे। ऐसा क्या बीजेपी में जी? बस कुछ होते हैं बीजेपी में। अच्छा। तो सारा गांव में फिर लेते तो। अच्छा। तो बस सौ मतलब दस आदमी नहीं धंधे बीजेपी के, नहीं तो 90 आदमी बीजेपी के डाले। अच्छा। इसके बाद हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? अच्छा, किसकी वोट करे फिर आप अब की बार जी? भाई मोदी की, बीजेपी की वोट देवांगे डट के। अच्छा, ऐसा क्या जी मोदी में जी? सब कुछ है, ये सारे नौकर बीजेपी के हैं। अच्छा, नौकर बीजेपी के हैं सारे। अच्छा, बुढ़ापे में सब नौकरी दे दी गई थी बीजेपी ने? हैं, क्या नौकरी दे दी बताओ फिर? 3,000 में मोटे डाल देखो जो मैं बताओ। कांग्रेस दिया कर, वो तो फिर कांग्रेस भी दिया कर थी, एक दिया करे थी। अच्छा, 100 रुपया तुम आपको आ गया। अच्छा, नहीं नहीं, आप बोल रहे हो आपने करीब पेंशन की बात। पेंशन तो है ठीक, कांग्रेस के राज में मिला कर थी। चलो, तो फिर वो कम दिया कर थी क्या? कांग्रेस ने नहीं हुआ दीदी, उसने कांग्रेस ने नहीं, देवीलाल। अच्छा जी, नहीं दे तो देवीलाल ने थी। हाँ। लेकिन जो बढ़ाई थी जो, वो तो कांग्रेस ने बढ़ाई थी दीदी। सुनो भाई जी, अपने स्वार्थ में पा गेहूँ वो वहाँ, जीरी वो वहाँ और कुछ फसल वो वहाँ, थोड़ा कहा ज्यादा हुआ है। यो देन है देवीलाल की। अच्छा जी, यो मुबारक है देवीलाल को। लेकिन देवीलाल का कोई रहा तो को नहीं, वो उनका अपना घर पाट गया। वो उनके तो हम देवीलाल के थे, नहीं तो बीजेपी के हैं। अच्छा, देवीलाल है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नेता थे। मोदी भी कुछ नहीं देवीलाल आगे तो। अच्छा, हाँ जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अच्छा, फिलहाल बात कर जाओ, आपने पता है जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जेजेपी है वो भी उसी परिवार से है। तो आपने पता है डिप्टी सीएम भी रहे हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा में, तो उन्होंने कुछ काम कराए हैं आपके गांव में? देखो, दुष्यंत चौटाला बहुत बड़ी आदमी है, लेकिन उनका अपना परिवार पार्ट गया। वो एक होंगे तो दुनिया उनके साथ थी, फिर किसी का नंबर नहीं हरियाणा में, फिर किसी का नंबर नहीं। वो एक हो जाए ना, क्या कहना, अच्छा का बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश, जैसे हरणा उसका प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। अच्छा, नहीं वो अपा उस भाषा बोल दिया करा है, जो बंदी झाड़ू हो नी। हाँ, वो बहुत ठीक होया करा है। हाँ, बहुत ठीक होया करा, ये सच्चाई है। अच्छा, अच्छा। इनका कुनबा एक हुंदा, फिर हरियाणा में किसी की दाल निकलती, फिर निकलती। तो फिर कुछ को नहीं है ना, ये कुछ को नहीं, अपना जो वोट बैंक वो तोड़ दिया। तोड़ दिया जी। तो क्या कारण मानो हो, क्यों तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया? घर की समस्या है जी, हम कैसे कहां जी उनके। अच्छा, अच्छा, उनके घर में हम कैसे इंटरफेयर कर उनका अपना रोल है तो जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल भी आप जो तस्वीरें हैं, मैं आपको झीन जिले के सिंगाणा गाँव से इस वक्त आपको मैं तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, और जो तस्वीरें इनकी जो सिंगाणा गांव है, सोनीपत लोकसभा में ये गांव आता है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो इस गांव में लगभग जो वोट हैं वो बीजेपी के रहने वाली है। इनकी बीजेपी को है लोग यहाँ पर है पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने मूड भी बना लिया कि अब की बार हम बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप किसको वोट करने वाले हैं, किसका माहौल आपको लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम।